वेलकम बैक टू माई चैनल। चेहरे पे एक्साइटमेंट है रिक्वेस्टेड वीडियो को पूरा करने का, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों के इतने सारे कमेंट्स आ रहे थे कि कोमल अर्बन क्लैप पे जो सर्विसेज मिलती हैं उसका आपका एक्सपीरियंस शेयर करके बताइए। अब एक्सपीरियंस देखिए कहाँ से आता है, जब तक मैं उसकी सर्विसेज नहीं लूँगी तो कैसे शेयर कर पाऊंगी। तो बस राखी का मौका था और हमारी तीज भी आ रही थी, जो कि आप मेहंदी देख सकते हैं। बाय द वे, कुछ और पर्सनल अपडेट्स के लिए ना आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे आपको पता चलेगा कि दूसरों की तीज और हमारी तीज में क्या फर्क होता है। बाय द वे, आई एम सिंधी तो हमारी तीज अलग होती है। सो देखिए, मैंने सर्विसेज ली हैं अर्बन क्लैप से। अब ये वाली सारी चीज़ें थी, प्लीज़ कीप इन माइंड दैट दिस इज नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो। मैंने मर्जी से बुलाया है, मैंने मर्जी से पैसे भी दिए हैं, मर्जी का पैकेज भी लिया है। अब उनका टाइमिंग क्या होता है, सर्विसेज कैसी देते हैं, आप घर वालों को परेशान करते हैं या नहीं करते हैं, वेटिंग टाइम लगता है या नहीं लगता है, और ओवरऑल जितना पैसा देते हो उसके हिसाब से आपको सर्विसेज कैसी मिलती हैं, ओवरऑल एक्सपीरियंस कैसा है, आगे वीडियो में आपको देखने को मिलेगा। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफिशियल मेरा हो रहा है तो आप लोग बोर ना हो, इसके लिए मैं टाइम टू टाइम यहाँ पर आके आपको हाईलाइट्स बताती जाऊंगी मेरे ओवरऑल एक्सपीरियंस के और सर्विसेज के। सबसे पहली चीज, देवर ऑन टाइम। अब टाइम पे आने से मतलब है कि ठीक है, मौसम बिगड़ रहा है, बारिश हो रही है, तो डेफिनेटली उन्होंने 15-20 मिनट का टाइम लिया था। तो जो मैंने सर्विस बुक कराई थी वो थी 4:30 पे, लेकिन वो आए थे अराउंड 5 बजे, तो हम भी समझदार हैं। अब कैब लेके वो ज्यादा खर्चा तो करेंगे नहीं, तो वो हाँ बस बारिश रुकने का ही वेट कर रहे थे, बट जब वो आए तो मजा आ गया। बिल्कुल भी परेशान नहीं करते हैं आपको, सारी चीज़ें खुद की, इनफैक्ट पानी तक आपसे नहीं मांगते हैं वो। वैसे तो पानी पिला देना चाहिए, अब आपकी इच्छा है, आप उनकी हेल्प करना चाहते हैं इन चीज़ों में, किचन से पानी भर के लेके आने में, अदरवाइज दे विल डू एवरीथिंग बाय देमसेल्फ, मतलब आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। नंबर 3, इतने से बैग में इतनी सारी चीज़ें निकाल देते हैं, उसके बाद में भी प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करते हुए वो आपकी सर्विसेज करते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि आपका घर बिखर जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। एक टाइम पे तो आपको लगेगा कि इतने से बैग में इतनी सारी चीज़ें आ कैसे गई, बिकॉज छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा इक्विपमेंट भी वो अपने साथ कैरी करते हैं। एक और जो अच्छी चीज़ मुझे लगी वो ये था कि जो भी मैट्स वगैरह वो बिछाते हैं आपके घर में ताकि सफाई से काम हो, या फिर आपको गाउन पहनाते हैं, वो डिस्पोजेबल होते हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि कल को किसी और का गाउन आपको पहनने को मिल रहा है, ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, जैसे नॉर्मल पार्लर्स में होता है। सबसे ज़्यादा पैसा आप जो सेव कर सकते हैं वो है पैकेजेस को लेके। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे कि अब देखो मुझे मैनीक्योर पेडिक्योर नहीं कराना था, तो आप क्या पैकेजेस में ना एडिट पैकेज कर सकते हो और अपनी मनपसंद सर्विसेज और भी ऐड करवा सकते हो। जैसे थ्रेडिंग मैंने मेरे लिए तो ली थी, बट मम्मी के लिए भी ली थी, और मैनीक्योर पेडिक्योर मैं घर पे करती रहती हूँ, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया। पैकेजेस में जो एडिट का ऑप्शन है ना, इसका फायदा उठाते हुए क्या होगा, आप अपनी मर्जी की ही सर्विसेज ले पाओगे। ऐसा नहीं है कि मैनीक्योर की जरूरत नहीं है फिर भी लेना पड़ रहा है, बिकॉज पैकेज में है, नथिंग लाइक दैट। नाउ जैसे कि मैंने आपको मेंशन किया, पैकेज को मैंने एडिट किया था और उसमें मैंने मैनीक्योर और पेडिक्योर की सर्विसेज को हटाया और उसमें एक और थ्रेडिंग जो कि मम्मा की थी वो इंक्लूड करी, और इसमें फेशियल भी था, ऑल्सो फुल लेग प्लस फुल हैंड रीका वैक्सिंग थी। किसी भी फेशियल की तरह इसमें भी 4 से 5 स्टेप्स ही थे। किसी भी प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले शी मेड श्योर टू सैनिटाइज अवर हैंड सो दैट दे वर फ्री फ्रॉम बैक्टीरिया, और हाँ बहुत ही अच्छे से क्लीन थे टू स्टार्ट द प्रोसेस। एज ऑलवेज जो सबसे पहला स्टेप होता है दैट इज क्लेंजर। नाउ सेकंड स्टेप में मेरी फेशियल कंडीशंस को देखते हुए उन्होंने नोटिस नहीं किए ब्लैक हेड्स और व्हाइट हेड्स, एंड इसीलिए उन्होंने मेरे फेस को स्टीम नहीं दी। नेक्स्ट स्टेप वॉज एक्सफोलिएशन, और उसके बाद में उन्होंने ये वाला जो पैक था ये लगाया था। दिस वॉज बेसिकली अ रबर मास्क जो कि आपके लिप स्नो सबको कवर कर देता है। इस रबर मास्क को लगाने के बाद में यू डोंट फील लेस देन अ व्हाइट घोस्ट, बिल्कुल ऐसा ही फीलिंग आ रही थी, एंड इट वाज ऑन फॉर अबाउट 15 मिनट्स। उसको निकालते ही जो रिजल्ट्स थे दे वर लाइक रियली अमेजिंग, बहुत ही अच्छा इफेक्ट था, माय स्किन वाज सो स्मूथ। वेल अगर मैं ऑर्डर की बात करूं तो थ्रेडिंग पहले की जानी चाहिए, फेशियल बाद में, लेकिन यहाँ पे फेशियल पहले हुआ था बिकॉज उन्होंने मेंशन किया था अगर मैं थ्रेडिंग पहले कर दूंगी तो एरिया सेंसिटिव हो जाएगा, एंड देन फेशियल के दौरान थोड़ी सी इरिटेशन हो सकती है। नाउ इफ आई टॉक अबाउट वैक्सिंग पार्ट, तो वैक्सिंग पार्ट भी बिल्कुल वैसे ही किया था, स्टेप बाय स्टेप उन्होंने हर एक पोर्शन को बहुत ही अच्छे से किया था। रीका वैक्स का टेम्परेचर बॉडी के अकॉर्डिंग बहुत सही था, वो छोटे छोटे पोर्शंस में कर रही थी जैसे कि आइडियली किया जाना चाहिए। जैसे जैसे वो स्ट्रिप्स निकालते गए वैसे वैसे मेरी टैनिंग बहुत ही बुरे तरीके से निकलती गई, एंड इट वॉज रियली सेटिस्फाइंग टू सी जो वो टैन निकल के आ रहा था उन स्ट्रिप्स पे। स्ट्रिप्स पे वो चीज डेफिनेटली अच्छी नहीं दिख रही थी, बट वो जो सेटिस्फेक्शन था ना टैनिंग निकलने का, दैट वॉज रियली अल्टीमेट, बहुत ही अच्छा लग रहा था, एंड यू कैन सी द डिफरेंस, मतलब बहुत ही अच्छा लगता है।
वैक्स हो जाने के बाद में एट लास्ट टू एंड द प्रोसेस शी यूज दिस रिका ऑयल और काफी अच्छे से मसाज भी किया इसे लेग्स और हैंड्स पे. द आफ्टर इफेक्ट्स आर इन फ्रंट ऑफ यू. नेक्स्ट पॉइंट इज, अब मुझे याद नहीं है नंबर कौन सा चल रहा है, बट हाँ नेक्स्ट पॉइंट इज की मेंबरशिप. अब देखिए मैंने क्या किया था, मैंने जब पहले दिन सर्विसेज ली थी मैं बहुत खुश हुई थी, बहुत ज्यादा खुश हुई थी. देन नेक्स्ट डे जब मम्मी और भाभी के फेशियल के लिए मुझे बुक करना पड़ा ना, तो मैंने मेंबरशिप ले ली थी जो कि ईयरली होती है. अब मंथली ये मेंबरशिप आई थिंक आपको 600 रुपीज में मिलती है और ईयरली आपको 700 या फिर 800 रुपीज में मिलती है. उससे आपको हर एक सर्विस पे एक्स्ट्रा 15% ऑफ मिलता है. तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट डाल दूंगी मैंने जो मेंबरशिप ली हुई है, ताकि आपको भी क्लियर आइडिया मिले कि मैं जनरली इस चीज को पसंद कर रही हूँ. और ऐसा नहीं है कि वीडियो बनाने के टाइम पे उन्होंने अच्छा बिहेव किया था, बल्कि नेक्स्ट डे जब मैं वीडियो नहीं भी बना रही थी तब भी उनकी सर्विसेज बहुत ही अच्छी थी, बहुत ही सही तरीके से वो कर रहे थे. एंड मम्मी और भाभी लव देयर इफेक्ट ऑफ फेशियल. नाइस. जब भी आपको सर्विस करवानी है घर पे आने का फायदा तो उठा ही सकते हैं, लेकिन अगर आपको सिर्फ थ्रेडिंग करवानी है, अपर लिप्स करवाने हैं, तो उनका टोटल बैठता है 60-70 रुपए आराम से. बट उस केस में आप इनको एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि घर आके धागा घुमा के जाएंगे, बिकॉज इनका मिनिमम जो सर्विस चार्ज होता है अमाउंट होना चाहिए वो तकरीबन 500 रुपए होना ही चाहिए. उसके अलावा वो आपको घर पे कुछ भी सर्विस देने नहीं आएंगे, जो कि नेगेटिव पॉइंट तो नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है उनको पोसाता नहीं है ना कम रुपए में कम सर्विस देके और घर पे ये सारी चीजें करके जाना. ऑब्वियसली कौन प्रेफर करेगा, है कि नहीं. मैंने तो सिर्फ सैलून की सर्विस ली थी, बट ऐप में ना गई, वैसे तो मेरे को पता था बट मेंशन कर देती हूँ. यहाँ पे क्लीनिंग सर्विस, अप्लायंसेस एंड इलेक्ट्रॉनिक रिपेयर, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बर, कारपेंटर, सारी चीज़ें, पेस्ट कंट्रोल सर्विस भी आपको मिलती है. यहाँ पे शायद फोटोग्राफर और ट्यूटर्स वगैरह भी होंगे, बट जो भी है आप देख सकते हैं बट ऐप पे बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत भंडार है सर्विसेज का. तो मन के अकॉर्डिंग जो भी इच्छा हो वो बुक कर लो. नॉर्मल सैलून में जब आप रीका वैक्स लेते हो ना, तो रीका वैक्स तो यूज़ कर लेते हैं, लेकिन काम खराब पता है कहाँ होता है, जब कोकोनट ऑयल लगा देते हैं तो वहाँ पे वो रीका वैक्स वाली फीलिंग ही नहीं आती. बट यहाँ पे प्रॉपर रीका ऑयल के साथ में जो बढ़िया कॉम्बिनेशन था ना रीका ऑयल का, वो ही यूज़ किया था. एंड उसके बाद में लिटरली ऐसा फील ही नहीं हुआ कि मुझे शावर लेना चाहिए, मतलब वो चिपचिपाहट एकदम से चली गई. ऑल दो शावर लेना या ना लेना वो आप पे डिपेंड करता है, बट द पॉइंट इज वो रीका ऑयल यूज़ करते ही ना वो चिपचिपाहट फील ही नहीं हुई एकदम, क्या बोलते हैं, डिजपियर हो गई. गाइज देखा आपने मेरा एक्सपीरियंस तो अच्छा रहा था. नाउ ऐसा मत समझिएगा कि मैंने वीडियो बनाया था तो एक्सपीरियंस अच्छा रहा था. अगले दिन जब मैंने मम्मी और भाभी के फेशियल के लिए भी सर्विस बुक करवाई थी ना,
तब भी फेशियल फैंटास्टिक हुआ था और सर्विसेज में बहुत ही मज़ा आया था. बिल्कुल टाइम पे थे, सारी चीज़ें बिल्कुल वैसे ही हुई थी जैसे वीडियो बनाने के टाइम पे हुई थी. सो आई रियली लव्ड इट. बट हो सकता है आगे जब मैं सर्विसेज लूँ तो कभी कुछ गड़बड़ हो जाए, लेकिन अभी तक सो फार सो गुड. सो लेट मी नो आपका एक्सपीरियंस जब आप इनकी सर्विसेज को ट्राई करते हैं तो. और सर्विसेज का कोई ऐसा लिंक तो है नहीं, लेकिन आपको तो पता ही है, समझदार जनता है, ऐप डाउनलोड करना होता है और सर्विसेज बुक करनी होती है, तो आप कर लीजिएगा. सहूलियत के लिए ना लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, सो चेक कर लीजिएगा. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो गाइस. मैं आपको मिलूंगी बहुत जल्दी एक बेहतरीन अगले वीडियो के साथ में. तब तक के लिए क्या खुद का ध्यान रखिए, खुद से प्यार करिए, ऐसी बड़े बड़े सर्विसेज घर पे लेते रहिए, और ये भी याद रखिए, आई लव यू ऑल सो मच. बाय.